आज अपना कौन सा सम स्टार्ट होगा? धर्म और कर्म, सवाल नंबर 14। ठीक है, धर्म और कर्म एक साझेदारी पीढ़ी के पूंजी के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। देखो, पहली लाइन में इन लोगों ने लिख दिया है कि इनका साझेदारी का प्रमाण क्या है, पूंजी का प्रमाण जो होगा वही इनका लाभानी वितरण का प्रमाण होगा। आगे चलते हैं, इनकी एक सकल तलपट दी हुई है जिसके जमा साइड में जमा बाकी दिए हुए हैं और कुछ एक उधार बाकियाँ भी दिए हैं। उसके बाद में नीचे समायोजन दिए हैं, वार्षिक हिसाब तैयार करने तो हमको 5 अकाउंट जो हमारे रेगुलर होते हैं वो रेडी करने ही हैं। व्यापार खाता, लाभानी खाता, लाभानी वितरण खाता, पूंजी या चालू खाता, लेकिन यहाँ चालू खाता दिया हो तो चालू खाता होगा, और ये क्या है हमारी पक्की तलपट। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे, इसके समायोजनों को टिकमा करेंगे। उसमें लिखा हुआ है नंबर 1, अंतिम स्टॉक 21,000 का है जिसमें स्टेशनरी स्टॉक 2,000 शामिल है। अंतिम स्टॉक कहीं टिक मार्क नहीं होता, बट स्टेशनरी स्टॉक है तो स्टेशनरी खर्च टिक मार्क करना पड़ेगा, जो कि नीचे से चौथे नंबर पर दिया हुआ है, पहले नंबर पर टिक मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट है यंत्र पर घिसाई, तो दूसरा नंबर पर टिक मार्क करो। इन द मिडल यंत्र हमको दिया हुआ है, यंत्र और यंत्र पर घिसाई दोनों साथ में ही हैं तो दोनों को टिक मार्क करना ही है। नेक्स्ट है 1,000 का उधार विक्रय, भूल से खरीद वापसी बही में लिखा है तो खरीद वापसी को टिक मार्क करना है, यानी कि माल वापसी उधार को, और बिक्री को भी टिक मार्क करना है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों हैं यहाँ पर, बिक्री और उधार, माल वापसी उधार। चौथा नंबर हमको दिया हुआ है समायोजन का, विज्ञापन खर्च का 1/4 भाग अगले वर्ष ले जाना, तो पहले विज्ञापन खर्च को टिक मार्क करना, नीचे से तीसरा नंबर और उसको टिक मार्क करेंगे हम, चौथा नंबर देंगे। सारे समायोजन हमारे पास यहाँ जितने दिए थे 4 थे, 4 के 4 हमने पूरे कर लिए हैं। यस और नो, एनी डिफिकल्टी इन दिस 4 एडजस्टमेंट्स? नो। आगे चल सकते हैं। हमारा स्टेप क्या है, अब जितनी भी सकल तलपट की जो बाकियाँ दी हैं उन बाकियों को हमने जितने भी जो अकाउंट क्रिएट करी हैं उनके अंदर देख देख कर ट्रांसफ़र करना है एक एक करके। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, सकल तलपट की जमा बाकी से। जमा बाकी में पहला नंबर पर दिया हमको पूंजी, तो पूंजी के अंदर हमको कहाँ लिखते हैं पूंजी को, अगर पूंजी खाता बनाया होता तो उसके जमा बाजू लिखते हैं, लेकिन आज पूंजी खाता ना बनाकर हमने क्या डिसाइड किया कि जो पूंजी आएगी उसको हम डायरेक्टली पक्की तलपट में लिख देंगे, पूंजी दायित्व के पक्ष में। तो लिखेंगे पूंजी, धर्म यानी डी और कर्म यानी के। यहाँ पर दिया हुआ है पूंजी 1,40,000 और 1,20,000। ठीक है, तो ये दोनों का हम टोटल करेंगे तो होगा हमारा 2,60,000, जिसको हम बाहर के कॉलम में लिख देंगे। अब हमको यहाँ पर एक सवाल भी था शुरुआत में कि इनका लाभानी का प्रमाण है वो किस अनुपात में है, पूंजी के प्रमाण में। तो हम देखो पूंजी ये इसका प्रमाण भी निकाल लेते हैं। तो देखो इनका प्रमाण निकालेंगे तो क्या आएगा, 1,40,000 अनुपात 1,20,000। ठीक है, तो देखो दोनों साइड की 0-0 हम कट करते तो 4-4 0 दोनों साइड से कट हो जाएगी, 2 × 7 = 14 और 2 × 6 = 12। तो हमारा अनुपात निकलता है 7:6। ये हमारा लाभानी वितरण का अनुपात है जिसको हम यहाँ लिख देंगे, 7:6 में हमको वितरण करना है। ठीक है, इनका टोटल होता है कितना, 13। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि भाई अनुपात कैसे बांटा, क्यों बांटा? क्योंकि लिख के दिया था पूंजी का प्रमाण, तो मैंने पूंजी का प्रमाण अभी से निकाल दिया कि बाद में डिफिकल्टी ना पड़े इसके लिए। आगे चलते हैं, बिक्री दी है तो व्यापार खाते के कहाँ दिए, जमा में आती है, तो हम लिखेंगे इसको व्यापार खाता, ये रहा उसके जमा में क्या लिखेंगे, बिक्री 1,20,000 है, टिक मार्क किया हुआ है, सो वी लीव सम लाइंस। ओके, नेक्स्ट माल वापसी उधार यानी कि खरीद वापसी होता है, तो यहाँ खरीदी लिखेंगे, उसमें से खरीद वापसी माइनस करते हैं तो खरीद वापसी माइनस करेंगे, हाउ मच इज दैट, 2,000। उसके बाद आगे चलते हैं, देना, देना यानी कि क्या होता है, लेनदार। पूंजी दायित्व में आएगा क्या लिखेंगे, लेनदार, क्या लिखेंगे, लेनदार। हाउ मच इज द अमाउंट, क्या बोलते हैं, 79,000। ठीक है, उसके बाद में अदत्त मजदूरी, ये कहाँ आएगा, अदत्त मजदूरी, इसलिए दायित्व होगा ये अदत्त 700। धर्म की लोन, धर्म कौन, एक साझेदार है, अगर साझेदार की लोन हो तो कहाँ लिखी जाती है,
तो लिखेंगे धर्म की लोन कितनी है? 30,000। ठीक है, आगे चले। प्राप्त बट्टा लाभानी खाते के जमा में, प्राप्त कुछ भी हो लाभानी खाते के जमा में, प्राप्त बट्टा हाउ मच इज दैट? 6,600। उसके बाद बी ओ डी बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा? तो पक्की तरफ लिखेंगे बी ओ डी कितना है? 2,800। चालू खाता लिखा है कर्म का, जमा में दिया है तो हम जमा साइड में लिखेंगे, चालू खाते के में शेष आगे लाए और के में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए किसके खाते में? के खाते में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारी जमा बाकी सारी पूरी हो चुकी हैं, अब हम उधार बाकियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उधार बाकियों में हमको सबसे पहले दिया है क्या? आहरण। आहरण कहाँ आएगा? चालू खाते के उधार में। ऐसे तो चालू पूंजी खाते के किसी में भी आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि पूंजी खाता नहीं बनाया है। तो चालू खाते के उधार लिखेंगे आहरण खाता। अमाउंट कितनी है? 7,500 और 5,000। तो 7,500 और 5,000 दोनों रकम ने लिख दिए। नेक्स्ट दिया है हमारे पास क्या? प्रारंभ स्टॉक। ये कहाँ आएगा? व्यापार खाते के उधार में हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे व्यापार खाते के उधार में प्रारंभिक स्टॉक 15,000 गिवन, तो 15,000 हमको यहाँ लिखना है। उसके बाद लिखा है खरीदी 80,000 की, तो देखो खरीदी का कॉलम हमने यहाँ पर लीव किया हुआ था 80,000, वी विल राइट डन। माल वापसी जमा, बिक्री वापसी होती है उसको यहाँ पर हम माइनस करेंगे। हाउ मच इज दैट? 3,000। उसके बाद में लेना यानी कि देनदार, संपत्ति साइड में लिखेंगे देनदार कितना है? कोई टिक मार्क है? नहीं, सीधा बाहर जाने देते हैं। नो, बिक्री से संबंधित है इसलिए अंदर रहेगा। ऊपर बिक्री संबंधित आया था कुछ, तो ये टिक मार्क होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट वेतन कहाँ आएगा? लाभानी खाते के उधार में, लेकिन ब्रैकेट में कुछ है इसके अंदर। वेतन की रकम कितनी दी हुई है? 13,200। अब ब्रैकेट में जो लिखा उसके ऊपर हम अमल करते हैं। 28/2/2017 तक का है, हमारा साल का पूरा होता है 31/3 को, 31 दिन को साल पूरा होता है। 28/2 तक का पूरा चुका है, बीच का गैप कितना हुआ? एक महीने का, यानी जो वेतन चुकाया वो कितने महीने का होगा यहाँ पर? ये 11 महीने का, एक महीने का बाकी है ना, तो ये लिखेंगे चुकाना बाकी। क्या लिखेंगे? चुकाना बाकी, यानी कि अदत्त वेतन। अब रकम कितनी आएगी? तो देखो यहाँ पर ये 13,200 जो है वो कितने का है? 11 महीने का, तो उसको 11 से भाग दे दो, एक महीने का मिल जाएगा 1,200 आएगा। उसको प्लस करेंगे 14,400 बाहर के कॉलम में हम लिखेंगे। ये हमारा एक गुप्त समायोजन था जो कि हमने यहाँ पूरा किया है अभी अभी। क्या था? कैसे पता चला? ये डेट से 28/2 तक का वेतन हमने चुकाया हुआ है, एक महीने का बाकी है, तो लिखेंगे 13,200 है वो कितने का है? 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1,200, फिर 14,400 बार। दूसरी एंट्री देनी पड़ेगी इसकी, समायोजन है, गुप्त समायोजन, तो दूसरी एंट्री देनी ही पड़ेगी। कहाँ होगी? क्या लिखेंगे? चुकाना बाकी वेतन। रेड पेन से इसलिए दिए क्योंकि समायोजन हम अलग से देख सकें। 1,200 डन। आगे चलते हैं, वेतन के बाद क्या है? ऑफिस यंत्र, यंत्र यानी कि संपत्ति कितना है? 71,760। उसके नीचे के नीचे हमको क्या दिया हुआ है? गेसाई पुरानी, ये हमको गेसाई दी हुई है 62,40। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 78। अब ऐसा कैसे छोड़ देते हैं? 71,760 प्लस 62,40, 6,240, तो 78,000 हमारे पास टोटल आता लगभग। चले आगे, नेक्स्ट है हमारा क्या? मकान। मकान हमारी संपत्ति है, कोई टिक मार्क नहीं है, सीधा बाहर जाने देंगे 80,000। मजदूरी
मजदूरी व्यापार खाता उधार साइड व्यापार खाते के उधार में लिखेंगे क्या मजदूरी कितनी रकम है 1600 तो हम डायरेक्ट बाहर लिखेंगे कोई समझाने इसके ऊपर है नहीं है कोई ट्रांजेक्शन नहीं है बीमा प्रीमियम लाभानी खाते के उधार में कितना है 1800 दिया बट्टा कितनी रकम है 3200 लोन पर ब्याज लेकिन इसके ऊपर समायोजन है बिना टिक किए हुए भी हैव यू नोटिस धर्म की लोन अगर धर्म की लोन ली है तो ब्याज चुकाना पड़ेगा वही हमारे सवाल मन में उठना चाहिए था पर हम वेट कर रहे थे कि कहीं सामने की साइड लोन का ब्याज आ जाए तो उसी के अंदर हम इसको प्लस माइनस करें अब हम धर्म की लोन का ब्याज गिनी है धर्म एक साझेदार है साझेदार की लोन पर कितने प्रतिशत ब्याज चुकाया जाता है 6% कोई तारीख लिखी है इसका मतलब पूरी साल का ब्याज चुकाना पड़ेगा तो मैं निकाल रहा हूँ धर्म की लोन थी 30,000 रुपये की कहाँ थी वो मैं बता देता हूँ धर्म की लोन पक्की तलपट में हमने लिखी थी 30,000 रुपये 30,000 का कितना परसेंट 6% पूरी साल का कितना होता है 1800 उसमें से हमने चुका कितना दिया है 1200 कितना बाकी है चुकाना 600 तो चुकाना बाकी हम यहाँ लिखेंगे चुकाना बाकी लोन का ब्याज ठीक है इसको हम दूसरी एंट्री कहाँ लिखेंगे चुकाना बाकी है तो दायित्व में आएगा तो चुकाना बाकी लोन का ब्याज क्या लिखेंगे छः सौ सिर्फ ठीक है एनी प्रॉब्लम आगे चले वेरी गुड नेक्स्ट फर्नीचर संपत्ति है तो हमारा कहाँ आएगा यहाँ पर कितना है कोई टिक मार्क नहीं इसलिए डायरेक्टली बाहर जाएगा 87,000 नेक्स्ट है स्टेशनरी खर्च लाभानी खाते के उधार में लिखेंगे खर्च है इसके लिए और टिक मार्क भी है साथ में सो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे 7,000 विज्ञापन खर्च उसी के जस्ट नीचे होगा टिक मार्क है सो वी लीव वन लाइन स्पेस 36,000 नेक्स्ट रोकड़ से संपत्ति 51,200 चालू खाता उधार से दिए तो चालू खाते के उधार में लिखेंगे शेष आगे लाए यस और नो यस ये ऊपर ही लिखा जाएगा यस बाय मिस्टेक कल हमने कहीं और लिख दिया था 17,000 डन हमारी उधार बाकी और जमा बाकी दोनों की दोनों पूरी हो चुकी है ठीक है अब हमको क्या करना है एक एक करके समायोजनों को हल करना है ठीक है स्टार्ट करते हैं हम अंतिम स्टॉक 30,000 का है जिसमें से स्टेशनरी स्टॉक 2,000 शामिल है तो अंतिम स्टॉक की दो असर होती है एक होता है व्यापार खाते के जमा में तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर अंतिम स्टॉक यहाँ पर अमाउंट कितनी लिखेंगे हम 19,000 नहीं मेरे को नहीं पता 21,000 स्टेशनरी स्टॉक का यहाँ कोई प्रावधान नहीं होता तो उसको हम हटा देंगे इसमें से 2,000 स्टेशनरी स्टॉक बचेगा 19,000 वो यहाँ लिखेंगे ठीक है अब इसकी दूसरी असर कहाँ होगी संपत्ति में अंतिम स्टॉक 19,000 लेकिन साथ में स्टेशनरी स्टॉक है कोई भी प्रकार का स्टॉक हमारे पास लास्ट में बचता है अंत में तो उसको यहीं लिखा जाता है इसलिए मैं दूसरी असर है स्टेशनरी की वो भी यहाँ लिख रहा हूँ स्टेशनरी स्टॉक 2000 चाहो तो इसको एक साथ मिलाकर ब्रैकेट में शो कर सकते थे 19,000 प्लस 2000 और अलग अलग लिखोगे दैट इज ऑल्सो राइट अब इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ होगी स्टेशनरी की स्टेशनरी खर्च में से माइनस अगर कोई स्टेशनरी का स्टॉक बचता है तो उस खर्च में से पहले माइनस करते हैं तो लिखेंगे स्टेशनरी स्टॉक तो स्टेशनरी खर्च में से हमने इसको माइनस किया है 2,000 माइनस करेंगे तो बाहर बचेगा हमारे पास 5,000 हमने इसकी चार असर दी क्योंकि स्टेशनरी स्टॉक की दो और अंतिम स्टॉक की दो 1, 2, 3, 4 नेक्स्ट
सेकेंड नंबर का ट्रांजेक्शन 10%, 78,000 का 10% घिसाई करेंगे तो 7,800 आएगा। 70,200 हमारे बाहर के कॉलम में जाएगा, ठीक है। अब इसकी घिसाई जो आई है वो हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यंत्र पर घिसाई, क्या लिखेंगे, कितनी आएगी, 7,800, 7,800। नेक्स्ट एक हजार का उधार विक्रय भूल से खरीद वापसी भाई में लिखा है, भूल से था क्या उधार विक्रय, तो यहाँ लिखेंगे नहीं लिखा उधार विक्रय, नहीं लिखा उधार विक्रय, कितना 1,000 का। इसकी दूसरी असर कहाँ होगी, देर दर में, क्या लिखेंगे, नहीं लिखी विक्री, कितनी 1,000। अब साथ में यहाँ क्या लिखा हमारे पास में कि ये जो था भूल से खरीद वापसी में लिखा, तो खरीद वापसी में से माइनस करना पड़ेगा क्या 1,000, यहाँ लिखना पड़ेगा भूल से लिखी खरीद वापसी, बिक्री नहीं, भूल से लिखी खरीद वापसी कितनी थी 1,000, जो मैंने 2,000 खरीद वापसी थी उसमें से 1,000 माइनस कर लिया है तो बचा कितना, सिर्फ 1,000 ही बचा, ये माइनस होके बाहर हमारा निकल जाएगा 79,000। यस और नो, खरीद वापसी गलती से ज़्यादा लिखा गई थी, उसको हमने वापस निकाल लिया है, जो असलियत में थी क्या बिक्री थी तो हमने बिक्री में प्लस कर दिया। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ होगी, लेनदार की खरीदी कहाँ होता है, खरीदी से वाला कुछ भी हो लेनदार में, यहाँ क्या होगा प्लस, प्लस होगा यस, प्लस ही होता है, भूल से लिखी खरीद वापसी, एक्चुअली वो थी नहीं खरीद वापसी, तो भी हमने वापसी में लिख दिया, यानी कि यहाँ असर दी होगी, निकाला होगा उसको, तो वापस ऐड करेंगे तो हमारा जैसा पहले था ऐसा हो जाएगा, कितना 1,000 टोटल होकर कितना हो जाएगा, था सिंपल एक लिखा हुआ था कि उधार विक्रय भूल से खरीद वापसी में, इतना सा था, लेकिन इफेक्ट कितनी थी उसकी, चार, देखने में ही हमको छोटे छोटे चार दिख रहे हैं पर हमकी इफेक्ट, हमने कम से कम पहले में चार दी, दूसरे में एक ही दी, लेकिन फिर तीसरे में चार हो गई, अंदर दो समाजन हिडन ट्रांजेक्शन आ गए, तो इतना हमारा नॉर्मल हो जाता है। अब चौथा है विज्ञापन खर्च का 1/4 भाग है वो अगले वर्ष के लिए ले जाना है, तो विज्ञापन खर्च रहा अगले वर्ष यानी कि अग्रिम चुकाया, क्या लिखेंगे, कितना 1/4, तो 4 से भाग दे दो 9,000, अभी कितना आ जाएगा 27,000। दूसरी इफेक्ट कहाँ होगी इसकी, संपत्ति में, क्या लिखेंगे, अग्रिम चुकाया विज्ञापन खर्च, यस और नो, कितना 9,000। देखो हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, सब काम कंप्लीट हो चुका है, जस्ट अब क्या बाकी हमारा, सिर्फ टोटल करना, बहुत ही छोटा सा सवाल था, इसको प्लस माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 1,18,000, 1,18 यानी 1,37,000 टोटल होगा इसका, 1,37,000 टोटल में से हम माइनस करेंगे इस साइड का, इन सबको माइनस करना है, 41,400 हमारा इसका सकल लाभ आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, लाभ हानि खाते ले गए, क्या लिखेंगे, लाभ हानि खाते ले गए। नेक्स्ट ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, सकल लाभ व्यापार खाते से लाए, डन, कितना है 41,400 टोटल करेंगे 48,000 होगा, ज्यादा इधर का लग रहा है,
माइनस में आ रहा है तो इस साइड होगा हमारा टोटल, हम इसको चेंज कर देंगे और टोटल हम यहाँ कर देंगे -13,000। उसको बोलेंगे हम शुद्ध हानि, क्या बोलेंगे शुद्ध हानि। टोटल कितना हो जाएगा 51,000 61,000। ठीक है, अब इस हानि को हम कहाँ लेके जाएंगे, लाभ हानि वितरण खाते, वहाँ एक्चुअली कुछ है नहीं, यहीं बांट देते तो भी चलता, बना है इसलिए लेके जा रहे हैं। आ गया नेक्स्ट, इसको कहाँ लेके जाएंगे हम, यहाँ पर 13,000 तो बढ़ गई ना, शुद्ध हानि 13,000। कहाँ से लाए इसको हम, लाभ हानि खाते से लाए। इसका टोटल हमने किया इस साइड तो वितरण पात्र हानि आ गई, क्या आ गई वितरण पात्र हानि, कितने की 13,000 की, उसको बांटा हमने 7,000 और 6,000, क्योंकि अनुपात कितना था 7 और 6 यानी 13। वितरण पात्र हानि अनुपात था हमारा 7:6 का, इसलिए हमने उसको बांटा तो 7 और 6 13 डायरेक्टली हमारा मिल गया। इसको हम लाएंगे इस साइड, लिखेंगे क्या वितरण पात्र हानि 7,000 6,000। अब चालू खाते के टोटल दोनों साइड चेक करेंगे तो देखो के का इस साइड का ज़्यादा है 14,000 है और इस साइड हमारा हो रहा के का 11,000, तो डिफरेंस आया 3,000 का। यहाँ हम लिखेंगे शेष आगे ले गए, के का टोटल इस साइड का 14,000, उसमें से इसको माइनस किया तो डिफरेंस आया 3,000 का, वो शेष आगे ले गए। अब इस साइड का टोटल करेंगे 31,500, तो 31,500 में से इस साइड हमारे पास कुछ भी नहीं है तो डिफरेंस पूरा का पूरा हो जाएगा और उसको लिखेंगे हम शेष आगे ले गए, यानी दोनों अलग अलग हमारी शेष आई हैं। जो इस साइड आई है तो उसको इधर लिखेंगे, इस साइड आई है तो उसको इधर लिखेंगे, ये जमा शेष है और ये उधार शेष है। लिखेंगे चालू खाता किसका पहले, के का है इस साइड तो हम के में लिखेंगे कितना 3,000, उसके बाद में ये किस साइड आएगा इस साइड, तो वहाँ लिखेंगे चालू खाता डी का 31,500। दोनों साइड का टोटल करेंगे और मैच करने का ट्राई करेंगे, अगर मैच हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे हमारा सम पूरा, कैसा ही छूटा होगा। तो इनका टोटल दोनों साइड का किया, दोनों साइड का टोटल 3,78,300 और इस साइड का टोटल भी आ रहा है हमारा 3,78,300, तो सम यहाँ हमारा सर से पूरा। ओके।